हेलो दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर दोज गाइज जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या 12th एग्ज़ाम दे रहे हैं या कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं विद बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री और जोलॉजी सब्जेक्ट एज देयर सब्जेक्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, चाहे ऑनर्स कर रहे हैं या डायरेक्टली कर रहे हैं और या पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं, तो लेकिन ज़्यादा एक फोकस रहेगा टूवर्ड स्टूडेंट्स ऑफ नीट, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। तो जी, हम यहाँ जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कहाँ पर ये सब पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम क्या है कि ये बायो मॉलिक्यूल समझने में कि कहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड आया, किस में चला गया और इसमें जो कार्बन की जो वेरिएशन आ जाती है 3, 4, 5, 7 कार्बन्स, वो कैसे कहाँ पे है। हो सकता है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आप फील कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। बेसिकली इसमें हम बायो मॉलिक्यूल्स की डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल देखते हैं, चाहे राइबुलोज हो या राइबोज हो या फ्रुक्टो फास्फोफ्रुक्टोज 1,3-बिसफास्फो ग्लिसरिक एसिड हो या 1,6-1,6-बिसफॉस्फोफ्रुक्टोज हो, उसमें हम अगर चेन में जाएंगे या रिंग शेप में जाएंगे तो वो आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा। तो मैं यहाँ पे खाली सीक्वेंस बताऊँगा कि कहाँ से कौन सा मॉलिक्यूल बनता है और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आई थिंक दैट इज़ अनफ, वो आपके लिए काफ़ी है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं केल्विन साइकिल से तो उससे डेप्थ में नहीं आने वाला है जो मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। तो जी हाँ, लेट्स टेक दिस केल्विन साइकिल। लेकिन केल्विन साइकिल से पढ़ने से पहले आपको जो मेरे बाकी वीडियोस है फोटोसिंथेसिस की, लाइट रिएक्शन और उसके बाद ही आप डायरेक्ट रिएक्शन में जा सकते हैं। तो केल्विन साइकिल बेसिकली एक पार्ट है जिसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं, और बहुत सारे साइकिल्स हैं, हैच-सेलेक साइकिल, कैम पाथवे एट्सेट्रा, वो आप इसमें साथ में पढ़ेंगे, बट दिस इज़ द मेन साइकिल इन डार्क फेज। सो लेट्स टेक दिस। सो टुडेज टॉपिक इज केल्विन साइकिल। सो वी हैव केल्विन साइकिल, सो लेट अस डिस्कस दिस। देखिए, जो आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा, देर इज अ लाइट फेज, सो वी हैव लाइट फेज। अब लाइट फेज में जो वीडियोस हमने डाले हैं वो आप देख लीजिए कि फोटो सिस्टम क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है, फर्स्ट सेकंड पिगमेंट सिस्टम जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इट इज़ फॉलोड बाय डार्क फेज, सो वी हैव फेज कॉल्ड डार्क फेज। ओके, अब जो डार्क फेज है इसको हम दूसरा नाम से भी जाना जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, क्योंकि इसी फेज में हमारा जो फूड है तो बनता है प्लांट में, फूड इज बीइंग असिमिलेटेड, और एक ऐसा फेज है जो फोटोसिंथेसिस का जो मेन मकसद है वो पूरा कर देता है, दैट इज मेकिंग अ फूड बाय प्लांट्स बाय ऑटोट्रॉफ्स। बायोसिंथेटिक फेज, इसको हम ब्लैक मैनस रिएक्शन भी कह सकते हैं, ब्लैक मैनस रिएक्शन, ये इसके नाम है, तीन नाम, डार्क फेज, बायोसिंथेटिक फेज, ब्लैक मैन रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिमिलेटेड, इट इज एसिमिलेटेड मीन्स इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ एसिमिलेटरी पावर। सो विद द हेल्प ऑफ एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, इट इज एसिमिलेटेड एंड इट बिकम्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनते हैं इससे। ठीक है, तो ये इस असिमिलेशन को हम डार्क फेज में पढ़ते हैं, इसलिए दिस इज़ द बायोसिंथेटिक फेज जहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सिंथेसाइज हो जाते हैं।
और जितने भी कार्बन के रिएक्शंस हैं, यानी रिएक्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन, ऑल रिएक्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन टुगेदर दे आर कॉल्ड, व्हाट इज दैट? जो भी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेट करने में हमें दिखते हैं, पाए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड कार्बन रिएक्शंस। ऑल दोज रिएक्शंस आर कंबाइंड कॉल्ड कार्बन रिएक्शंस। फाइन, दिस इज ओके अप टू दिस। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो ये केल्विन साइकिल कहाँ पे अकर होता है, इसके बारे में हम पूरा पढ़ते हैं। तो बेसिकली मस्ट हैव स्टडीड प्लास्टिडस, ठीक है। अब प्लास्टिडस में क्या है, अंदर का जो प्लास्टिड का ल्यूमिन होता है, आपको दिस इज क्लोरोप्लास्ट, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, इसका जो ल्यूमिन है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा और मैट्रिक्स, ठीक है। सपोज दिस इज साइटोसॉल, साइटोप्लाज्म, एंड दिस इज मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में यहीं पे ये केल्विन साइकिल, दिस इज फाउंड हियर इन दिस स्ट्रोमा। तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा, केल्विन साइकिल स्ट्रोमा में पाया जाता है। और ये बेसिकली क्या है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा के माध्यम से जो एंटर होता है प्लांट में, वो जाके प्लांट में जाता है, एंड विद हेल्प ऑफ लाइट रिएक्शन, जहाँ पे बहुत सारे हमारे पास एटीपी बन जाते हैं, वी हैव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहाँ पे हमारे पास एनर्जी आ जाती है। वी हैव एनएडी पीएच मॉलिक्यूल्स, वी हैव एटीपीज, वी हैव इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव एक्सेप्टर्स, वी हैव हाइड्रोजन, सो मेनी कंपाउंड्स, दे कम एंड फॉर्म गिव काइंड ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी को लेके और ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके दोनों को अब क्या करना है, फूड बनाना है। तो इस ये जो पूरी स्थिति बनी है, इसमें अब जाके इसको फूड बनाना है। वो जो पहला आपने देखा फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट सिस्टम, फर्स्ट सेकंड, और इलेक्ट्रॉन को लाना या एसिमिलेटरी जो पावर होता है, यानी जो जैसे मैंने कहा कि एसिमिलेटरी यहाँ पे पावर, ये एनएडीपीएच, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जिनको हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, या एटीपीज जो होते हैं इसमें हाई एनर्जी कंपाउंड्स, वो सारे पावर आ जाते हैं। जब वो पावर आ जाते हैं और यहाँ से आपके प्लांट में थ्रू स्टोमेटा, जो आप जब पढ़ते हैं ट्रांसपायरेशन में, स्टोमेटा के थ्रू जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में जाता है, एंड विद हेल्प ऑफ एसिमिलेटरी पावर, ये एसिमिलेटरी पावर कहाँ से आ जाता है हमें, लाइट रिएक्शन से, लाइट रिएक्शन। सो दिस इज लाइट रिएक्शन, ये एसिमिलेटरी पावर हमें देता है। यहाँ से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है थ्रू स्टोमेटा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पावर, ये दोनों मिला के हमें देते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंड दिस फेज कॉल्ड डार्क फेज, दिस इज डार्क फेज। अब डार्क फेज में जो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पावर फ्रॉम लाइट रिएक्ट, लाइट फेज, सो लाइट फेज फेज गिव्स पावर, दैट इज एसिमिलेटरी पावर, दैट इज हाइड्रो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटीपीज, एनएडीपीएच, ये जो है ये पावर होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड मिला के दूसरे फेज जिसको हम डार्क फेज कहते हैं, दे गिव्स अस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे हम कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन मिला के पूरा फोटोसिंथेसिस का जो मेन मकसद है, दैट इज फॉर्मिंग अ फूड, या प्लांट का जो बॉडी बनता है वो इसमें आता है। तो पहले आपने लाइट रिएक्शन देखा होगा, उसके बाद ये आपका डायरेक्ट रिएक्शन आ जाता है। अब डायरेक्ट रिएक्शन क्या है, जो बेसिकली डायरेक्ट रिएक्शन है, ये स्ट्रोमा आपका जो ये यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा होता है, यहीं पे ये वक्र होता है। अब देखिए डार्क फेज के साइकल्स है, जैसे जो हमारे पास मेन प्लांट्स होते हैं, सीथ्री प्लांट्स, इन्हीं की वजह से उनको सीथ्री प्लांट्स कहते हैं, तो उनमें केल्विन साइकिल बनता है। सो केल्विन साइकिल आल्सो कॉल्ड सीथ्री साइकिल इन सीथ्री प्लांट्स। इन सी4 प्लांट्स वी हैव हैच सिलेक साइकिल आर सी4 साइकिल, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सी4 प्लांट्स। देन देर इज अनदर पाथवे इन ग्रेसेज, देर इज कैम पाथवे। तो तीन तरीके के साइकिल्स डायरेक्ट फेज में हमको पढ़ने को मिलते हैं, हम तीनों साइकिल्स अलग अलग पढ़ेंगे। बेसिकली सी3 प्लांट्स और सी4 प्लांट्स,
ये बड़ा साइकिल है केल्विन साइकिल, इसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं सी थ्री को, दिस कॉल्ड केल्विन साइकिल। अभी हमारा जो टॉपिक है, हमारा सेकंड जो था सी फोर, दैट इज हैच सिलिक साइकिल, हैच सिलिक साइकिल, ये हम बाद में सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। और ये जो कैम होता है, दिस इज इंटरमीडिएट बिटवीन टू, ये भी हम एक दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। कैम प्लांट्स कौन से होते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स ये एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो टुडे आज का जो टॉपिक है, दैट इज सी थ्री साइकिल और केल्विन साइकिल, दैट्स वन पार्ट, वन साइकिल फाउंड इन थ्री थ्री प्लांट्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट फेज। सी फोर प्लांट्स में डायरेक्ट फेज में सी फोर हो जाता है, सी फोर साइकिल हैज सिलिक साइकिल, एंड इन कैम प्लांट्स नाइदर दिस नाइदर दिस और इन एडिशन टू दिस देर इज अ कैम साइकिल, सो लेट्स टेक सी थ्री साइकिल। सो बेसिकली ये जो सी थ्री साइकिल होता है, जैसे मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में ये बनता है, दिस इज बिगेस्ट साइकिल, एक अच्छा साइकिल है जिसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसमें तीन फेजेस में ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट वी हैव कार्बोक्सिलेशन फेज, देन ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल, देन फाइनली वी हैव रिजेनरेशन ऑफ RUBP। सो केल्विन साइकिल की बात अगर करें, इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड सी थ्री साइकिल, सी थ्री साइकिल, क्योंकि इसमें जो हमारे जो इसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन सी थ्री प्लांट्स इज थ्री कार्बन, दैट इज ग्लिसराल्डाइड जैसे, या ग्लिसरिक PGA, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन सी थ्री प्लांट्स। इन सी फोर प्लांट्स फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज सी फोर कंपाउंड। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज, दैट इज थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन दिस दिस थ्री फर्स्ट, सिंस फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज थ्री कार्बन कंपाउंड, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड सी थ्री साइकिल। तो हम सी थ्री साइकिल भी इसको कहते हैं, इसको वी कैन ऑल्सो कॉल्ड, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है, सो इट इज रिडक्टिव पेंटोज पाथवे, दिस ऑल्सो कॉल्ड रिडक्टिव पेंटोज मीन्स फाइव कार्बन पाथवे, सो इट इज रिडक्टिव पेंटोज पाथवे। या इसके साथ हम फोटो सिंथेटिक कार्बन रिडक्शन, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन, दैट इज PCR, सो इट इज रिडक्टिव पेंटोज पाथवे, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन, यानी कार्बन रिडक्शन है एक्चुअली, बट इट इज रिलेटेड विद फोटोसिंथेसिस। तो ये सारे नाम इसमें है। तो लेट अस डिस्कस दिस साइकिल, इस साइकिल को हम पढ़ते हैं। लेट अस मेक दिस हियर, क्या लगे साइकिल, फाइन, ओके। देखिए क्या होता है, बाहर से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, सो वी हैव CO2, ये स्ट्रोमा में आ जाता है, सो वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हमारे पास जो है, दैट इज RUBP, सो वी हैव फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, दैट इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट, 1,5 बिसफॉस्फेट, दैट इज राइबुलोज 1,3 बिसफॉस्फेट, ठीक है, सॉरी दिस इज 5 राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये हमारा फर्स्ट एक्सेप्टर, दिस इज कॉल्ड, दिस इज एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। सो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जिसको हम RUBP भी कह सकते हैं, RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। तो राइबुलोज बिसफॉस्फेट का है, या 1,5 नाम देके, 1,5 कौन से पोजिशन पे फॉस्फोरस है, 1,5 बिसफॉस्फेट, दिस इज फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, इट कंबाइनस, इट एक्सेप्ट दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट फॉर्म्स फर्स्ट ट्रांजिटरी प्रोडक्ट, जो स्टेबल नहीं होता है, दैट इज टू कार्बोक्सी
that is 2 कार्बोक्सी. देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसमें जो कार्बन का हम इसकी भी बात करें, दिस इज 5 कार्बन, दिस इज 1 कार्बन, तो दिस इज डेफिनेटली 6 कार्बन कंपाउंड. 2 कार्बोक्सी 3 कीटो 1 5 बीस फॉस्फो. अब यहाँ पे फॉस्फोस तो यहीं पे है, बीस फॉस्फो और बिटॉल, राइबिटॉल, बीस फॉस्फो राइबिटॉल. राइबोटॉल ठीक है. सो 2 कार्बोक्सी 3 कीटो 1 5 बीस फॉस्फो राइबोटॉल. दिस इज ट्रांजिटरी प्रोडक्ट, दिस एक्चुअली ट्रांजिटरी प्रोडक्ट, इट इज नॉट स्टेबल. ये बनता तो है लेकिन ये साथ ही में दूसरे प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है. बनने के साथ साथ ही जब ये बनता है तो साथ ही में ये दूसरे प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है. दैट मीन्स इट इज ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी प्रोडक्ट. इसको आप ध्यान से देखिए तो ठीक है. दिस इज ऑल्सो 6 कार्बन. अब ये साथ में ही, अब ये पूरा रिएक्शन जो कंडक्ट हो जाता है ये कौन करता है, फ्रॉम राइबुलोज 1,5 बीस फॉस्फेट टू दिस ट्रांजिटरी प्रोडक्ट, देयर इज अ रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को. दैट मीन्स रुबिस मीन्स दिस, को मीन्स कार्बोक्सिलेज, दिस आर यू बी पी कार्बोक्सिलेज, दैट इज आर यू बी पी कार्बोक्सिलेज, दिस इज एंजाइम रुबिस्को. ये इसको कार्बोक्सिलेज मीन्स इसको एक कार्बन ऐड कर देता है इन ऑर्डर टू फॉर्म दिस ट्रांजिटरी प्रोडक्ट. एंड दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन. ठीक है, इसको याद रखें. तो ये एंजाइम के द्वारा ये हमारे ट्रांजिटरी प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है. तुरंत ही 2 मॉलिक्यूल्स में ये कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड. देयर इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इट बेसिकली, 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड. तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है. एंड दिस इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, दिस इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये है. अब इनको ध्यान दीजिए, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, ट्रांजिटरी प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट. सिंस फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंपाउंड, सो दिस वाइज कॉल्ड इज C3 साइकिल. अब यहाँ देखिए आप, ये जो फेज है, ये जो इसको कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करना, दिस कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन फेज अप टू दिस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो रिएक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो रिएक्शन है, अप टू फॉर्मिंग ऑफ दिस, बेसिकली अप टू फॉर्मिंग ऑफ दिस कंपाउंड, तो दिस पोर्शन ऑफ दिस साइकिल, दिस फर्स्ट फेज विच इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन फेज. सो दिस इज कार्बोक्सिलेशन. दिस फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट स्टेज है कार्बोक्सिलेशन ऑफ दिस 3PGA गेट्स फॉर्मड. अब ये 3PGA है जो है, विद द हेल्प ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट काइनेज 1,3-bisphosphoglyceric एसिड इज फॉर्मड. ये हमारा बन जाता है दोनों से 1,3-bisphosphoglyceric एसिड, दैट इज ट्रायोज फॉस्फेट काइनेज प्लस ये जो ATP इसमें आ जाता है, इट गेट गिव्स ADP. तो एक पी यानी एक एडिशन ऑफ फॉस्फोरस इन साइड दिस 3PGA बिकम्स 2 फॉस्फेट, यानी 1,3-bisphospho. तो ट्रायोज फॉस्फेट, बिकॉज दिस इज ट्रायोज एंड फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट काइनेज मीन इसको ये फॉस्फोरस ऐड हो जाता है 1,3-bisphosphoglyceric एसिड. अब ये जो 1,3-bisphosphoglyceric एसिड है,
it gets converted to glycerol, right, 3-phosphate. It gives glycerol diode 3-phosphate. यानी गैप गैप हमें देता है दिस वन. दैट मीन्स इसमें क्या हो जाता है, ग्लिसराइल राइट 3-फॉस्फेट 1,3-बिस्फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड हमें देता है. इट गिव्स अस गैप, इसको हम 3-फॉस्फेट ग्लिसराइल राइट भी कह सकते, 3-फॉस्फेट ग्लिसराइल डाइड. दिस PGA, this is actually 3-carbon compound. Fine, glycerol diode 3-phosphate यह हमें देता है with the help of NADPH, और इसमें एंजाइम इन्वॉल्व हो जाता है, दैट इज ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज. ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज. तो विद हेल्प ऑफ दिस एंजाइम एंड NADPH हमें क्या मिल जाता है, ग्लिसराइल राइट 3-फॉस्फेट. ऑफन समटाइम्स दिस ग्लिसराइल राइट 3-फॉस्फेट गेट्स कन्वर्टेड टू डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट इन डैप. डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट दिस कंपाउंड यहां से भी बन जाता है, जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा है, फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेस के माध्यम से, फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेस. सो विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम वी गेट डैप. सो दिस इज यहां पे 5 कार्बन + 1 कार्बन 6 कार्बन. अब 6 कार्बन ये ट्रांजिस्टर प्रोडक्ट बन जाता है, बट इट ब्रेक्स इनटू 3-3 कार्बन 2 कंपाउंड्स बेसिकली. इसका एक का हम देखते हैं, सेकंड कंपाउंड ऑल्सो फॉलोज द सेम पाथ इनटू दिस. सो 3 कार्बन 3 कार्बन, दिस इज ऑल्सो 3 कार्बन. 3 कार्बन कभी इस यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच में ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम एल्डिहाइड फॉर्म टू कीटोन फॉर्म, और इसमें जो एंजाइम है दैट इज आइसोमेरेज एंजाइम. अब दोनों को क्या होता है, विद हेल्प ऑफ अल्डोलेज दोनों जो हमारे डैप और गैप होता है, विद हेल्प ऑफ एंजाइम अल्डोलेज वी गेट लाइक ग्लाइकोलिसिस के जैसे हम देखते हैं फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट. सो वी गेट दिस कंपाउंड. फाइन, अब हमारा ये क्या बनता है इनसे, दैट इज फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट. डेफिनेटली हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा है दैट इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज MG, ठीक है, एंड ATP गेट इज फॉर्मड फ्रॉम ADP, क्योंकि यहाँ पे 2 फॉस्फोस है, तो ये 2 फॉस्फोस जो हमारे हैं दे गेव वो एक फॉस्फोस बाहर निकल रहा है, किसी में रहता है. अब यहाँ पे आप देखिए दोनों को कंबाइन करके इन्होंने ये दिया, बेसिकली दे कंबाइन टुगेदर टू गिव दिस, बिकॉज दिस इज 3 कार्बन, दिस इज 3 कार्बन, दिस इज 6 कार्बन, दिस इज ऑल्सो 6 कार्बन कंपाउंड. अब यहाँ तक आपने जो देखा है कि अप टू दिस ये ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्सल है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में ऐसा होता है F6P gives fructose 1,6-bisphosphate, it gives glycerol dap cap, it gives 1,3-bisphosphate, then it gives 3PG. तो ये जो पूरा आपने देखा यहाँ से लेके अप टू दिस, दीज रिएक्शन आर वट, दीज आर रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में ऐसे हो जाता है, बट हेयर इज रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. दिस फेज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल. दिस इज सेकेंड फेज, दिस कॉल्ड ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल. फाइन, 2 फेजेस, एक कार्बोक्सिलेशन का फेज, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल सेकेंड फेज, और इसमें तीसरा फेज, तीन ही फेज इसमें है कैल्विन साइकिल में, दैट इज रीजेनरेशन ऑफ RUBP.
ठीक है, अब यहाँ पे जो F6P है इसमें क्या हो जाता है, ये F6P और हमारा यहाँ पे एक गैप इसमें एंटर हो जाता है, ग्लिसराइड थ्री फास्फेट ये इसमें एंटर करता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के साथ, इट गिव्स टू कंपाउंडर्स एरिथ्रो दैट इज एरिथ्रोज 4 फास्फेट एंड ज़ाइलुलोज 5 फास्फेट। फाइन, दो प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन, दिस इज 3 कार्बन, देर इज 9 कार्बन, टोटल 9 कार्बन हमारे बनते हैं यहाँ पे, वी हैव 9 कार्बन, कोई कंपाउंड नहीं है, बट मैं ये इन ऑर्डर टू मेक इट अंडरस्टैंड दैट 6 कार्बन 3 कार्बन दिस 9 कार्बन, तो यहाँ पे हमारे 5 कार्बन चले जाते हैं विद दिस कंपाउंड, वी आर लेफ्ट विद 4 कार्बन, सो दिस इज 4 कार्बन कंपाउंड, एरिथ्रो रोज इज 4 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो रिएक्शन इसमें कंडक्ट हो जाता है, देर इज ट्रांस कीटोलेज टी पी पी प्लस ट्रांस कीटोलेज, ये एंजाइम इसमें ये पूरा रिएक्शन कंडक्ट करता है। अब धीरे जब ये आगे चलता है दिस कंपाउंड डैप ऑल्सो कंपाउंड ऑफ डैप डाइहाइड्रोक्स एस्टोन फास्फेट ये इसको मिलता है, सो दिस इज 4 कार्बन दिस इज 3 कार्बन, तो 3 कार्बन प्लस 4 कार्बन गिव 7 कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड सीडो हेप टू लोज दैट इज सीडो हेप टू लोज 1 7 बिस फॉस्फेट, यहाँ से एक फॉस्फोस यहाँ से एक फॉस्फोस, ये दिस इज 7 कार्बन कंपाउंड बिकॉज 3 प्लस 4 कार्बन 7 कार्बन कंपाउंड। ये जो रिएक्शन है दिस इज मीडिएटेड बाय एल्डोलेज एल्डोलेज एंजाइम जो यहाँ पे भी था, तो से सीडो हेप्टुलोज 1 7 बिस फॉस्फेट गेट्स कन्वर्टेड टू सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, सीडो हेप टेलोज 7 फॉस्फेट हमारा दूसरा कंपाउंड, दिस ऑल्सो 7 कार्बन कंपाउंड। अब यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, दिस सेवन सीडो हेप्टेलोज 7 फॉस्फेट इसमें क्या हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांस कीटोलेज, सो इट्स एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम दैट इज ट्रांस कीटोलेज, जैसे यहां पे था ट्रांस कीटोलेज, इट गिव्स और इसमें एक गैप एंटर हो जाता है क्योंकि ये 7 कार्बन कंपाउंड है, इसमें एक गैप की एंट्री हो जाती है, ग्लिसराइड साइड 3 फॉस्फेट इट ऑल्सो एंटर्स इन टू दिस, दिस इज 3 कार्बन 7 कार्बन, दिस 10 कार्बन इज मूविंग हियर, 10 कार्बन आर मूविंग दे गिव 2 कंपाउंड्स बेसिकली 5 कार्बन ईच, दे गिव राइबोज 5 फॉस्फेट ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट, दे गिव राइबोज 5P ज़ाइलोज 5P 5 कार्बन 5 कार्बन। देखिए हमें कार्बन का ध्यान रखना पड़ता है कि कार्बन कहाँ से कितने बन गए, क्योंकि ये जो पूरा रेजरेशन का फेज है इट इनवॉल्व 4 कार्बन 5 कार्बन 7 कार्बन कंपाउंड्स, 4 कार्बन 6 कार्बन 5 कार्बन, तो ये ज़ाइलोज है राइबोज 5 कार्बन, 4 कार्बन एरिथ्रोज 7 कार्बन सीडो हेप्टुलोज। अब ये सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट विद गैप कंबाइनर विद गैप ये हमें क्या देता है थ्रू ट्रांसक्यूटोलेज, थ्रू दिस एंजाइम ट्रांसक्यूटोलेज गिव्स राइबोज 5 फॉस्फेट एंड दिस ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट। अब दोनों पे एंजाइम पड़ जाते हैं, राइबोज पे भी राइबोज पे भी, ये हमें दे गिव अनदर कंपाउंड दैट इज राइबोलोज 5 फॉस्फेट, तो चलिए इसको थोड़ा सा यहां पे दिखाते हैं, बेसिकली राइबोलोज 5 फॉस्फेट ये कंपाउंड हमें
इन दोनों से मिलता है. सो दिस इज ऑल्सो फाइव कार्बन कंपाउंड. अब क्या होता है, ये जो राइबोज फाइव फास्फेट है एंड वी हैव जाइलोज फाइव फास्फेट, दोनों पे क्या, इन पे बेसिकली एंजाइम्स पड़ जाते हैं, इनमें आइसोमराइजेशन हो जाता है. सो थ्रू आइसोमेरेज हमें ये बनता है फ्रॉम राइबोज, राइबोज पे आइसोमेरेज एंजाइम पड़ता है, इट गिव्स अस राइबुलोज. और जो जाइलोज फाइव फास्फेट है, एंजाइम इज एपिमेरेज, एपिमेरेज इट गिव्स, इट आल्सो गिव्स राइबुलोज फाइव फास्फेट. तो सी टू हेप्टोज प्लस गैप गिव्स टू कम, दे गिव कंबाइंड कंडेंस टुगेदर, दे गिव टू कंपाउंड्स राइबोज जाइलोज. राइबोज को थ्रू दिस आइसोमेरेज इट बिकम्स राइबुलोज, एंड जाइलोज थ्रू एपिमेरेज गिव्स राइबुलोज. अब ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट आ गया. अब ये प्लांट में वैसे का वैसे रहता है. इन केस इसको अब आगे हमें कैल्विन साइकिल की ज़रूरत पड़ती है. इन दैट केस व्हेन एवर रिक्वायर्ड, हम कह सकते हैं व्हेन एवर रिक्वायर्ड, ये राइबुलोज फाइव फास्फेट इट गिव्स अस दिस एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, इट गिव्स अस एक्सेप्टर मॉलिक्यूल थ्रू फास्फोराइबुलोज काइनेज, थ्रू फास्फोराइबुलोज काइनेज. ये एंजाइम राइबुलोज फाइव फास्फेट पर पड़ता है कि फास्फोराइबुलोज काइनेज ये इस पर असर करता है और इसको कैटालाइज करके इट मेक्स इट राइबुलोज 1,5-बिसफास्फेट. बिकॉज इट व्हाट इट डज एक्चुअली, ये क्या करता है, ये एक फास्फोरस ऐड कर देता है. दिस इज राइबुलोज फाइव फास्फेट, इट एड्स अनदर कार्बन एट फर्स्ट कार्बन पोजिशन, इट एड्स अनदर फास्फोरस एट फर्स्ट कार्बन पोजिशन, इट गिव्स राइबुलोज 1,5-बिसफास्फेट. दिस राइबुलोज 5-फास्फेट इज ऑलरेडी दियर, इट एड्स अनदर फास्फेट एट फर्स्ट कार्बन, राइबुलोज 1,5-बिसफास्फेट फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ये हमें देता है. लेकिन ये रिएक्शन तभी कंडक्ट हो जाती है व्हेन रिक्वायर्ड, जब इनको केल्विन साइकिल करने बनाने की ज़रूरत है. तो हम कह सकते दिस इज द लास्ट मॉलिक्यूल ऑफ द साइकिल, दैट इज राइबुलोज, देन इट गिव्स फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ द साइकिल और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, एंड दैट इज राइबुलोज 1,5-बिसफास्फेट. ठीक है, ये जो यहाँ से हमने फेज देखा है फ्रॉम दिस फ्रक्टोज 6-फास्फेट, ये पूरा मैंने जो देखा है जितने भी स्टेप्स में आए हैं अप टू द फॉर्मेशन ऑफ राइबुलोज 5-फास्फेट, दिस इज द थर्ड फेज विच इज कॉल्ड रीजनरेशन ऑफ RUBP, रीजनरेशन ऑफ RUBP. आपने खुद देखा होगा कि यहाँ पे हमें क्या मिला, ये जो RUBP हमारा रीजनरेट हो गया फ्रॉम F6P. सो दिस इज कार्बोक्सिलेशन फेज फॉलोड बाई ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल फेज, देन फाइनली फ्रॉम F6P वी गेट राइबुलोज 5,1,5-बिसफास्फेट, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड रीजनरेशन ऑफ RUBP फेज. सो वी हैव सीन द यूसेज और देर आर इंटरमीडिएट्स ऑफ 4-carbon, 5-carbon, 7-carbon, एंड थ्रू दिस बिग प्रोसेस वी गेट RU 1,5-BP. एंड दैट इज मस्ट. तो ये हमारा, इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो रहा है केल्विन साइकिल. सो दिस वॉज C3 साइकिल. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के हमारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, दिस इज कार्बोक्सिलेशन फेज फॉलोड बाई ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल फॉलोड बाई रीजनरेशन फेज. यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ पे गैप एंटर हुआ, फिर डैप एंटर हुआ, फिर गैप एंटर हुआ. सो ये 3-carbon कंपाउंड इसमें यूज हो जाते हैं. बिकॉज ऑफ दोज हमें 4-carbon, 5, 7-carbon कंपाउंड मिलते हैं. फाइनली वी फाइनली गेट 5-carbon, 2 types ऑफ 5-carbon कंपाउंड्स. तो दोनों जाके ये बनाते हैं. तो ये जो हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल था, ये भी इसी को फॉलो करता है, इसी सिस्टम को. तो डेफिनेटली वी विल बी गेटिंग 4-5 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस फ्रॉम 1. तो दिस वाज ऑल, दिस इज ऑल. इसको आप फिर से देखें, फिर से इसको आप साइकिल को देखें, लेकिन कहीं कन्फ्यूज ना करें. ये जो मैंने बनाया है, दिस साइकिल मूव्स थ्रू दिस, इट गोज हियर, क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने साइकिल को यहाँ लाया, इट मूव्स विद दिस. सो दिस इज बेसिकली अ साइकिल, दिस कॉल्ड ए केल्विन साइकिल. सो इसको आप वीडियो को बार बार देखें, आपको मिल जाएगा कि केल्विन साइकिल क्या है. सो केल्विन साइकिल इन्वॉल्व्स 3 phases,
First is carboxylation of phase, second is glycolytic reversal, then we have origination of RuBP. So RuBP is the first acceptor molecule, and we are going to get form in transitory molecule. Then finally we get first stable product 3-PGA, which follows reversal of glycolysis. So this is all Kelvin cycle. Ye pura regulation hota hai, depends on carbon dioxide concentration, need of energy, aur hamara product banana, fruit banana, is par depend karta hai. So these are called C3 plants jinme paya jata hai. तो इन फैक्ट अब इसके बाद जो सेकंड हमारा इसी डॉटर फेज का दैट इज C4 साइकिल वो भी पढ़ाएंगे. तो इसको आप होप आपने समझ लिया होगा. अगर कहीं पे कोई डिफिकल्टी है प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं उस पॉइंट को फिर से बताऊंगा. या किसी कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर देखना है किसी को, तो आई विल शो दैट ऑल्सो. सो विद दिस थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस, फॉर लिसनिंग दिस. बाय बाय.